अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ होता है पूरी बॉडी में, तो सेम एक दूसरी तरह का भी जाल हमारे इस बॉडी में फैला हुआ होता है नेटवर्क की सूरत में, और ये कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम की जो पाइप्स होती है तो उसके अंदर फ्लूइड रन कर रहा होता है, इस बेसिस पर हम इसको बोल रहे होते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। और इम्यून सिस्टम का पार्ट क्यों है, क्योंकि इस सिस्टम का ताल्लुक डिफेंस के साथ भी है, ये हमें डिफेंस भी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हम इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स मिलकर हमारे इस लिम्फेटिक सिस्टम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें फ्लूइड आ जाता है जिसको हम बोल रहे होते हैं लिम्फ्स। इस तरीके से इसमें लिम्फेटिक वेसल्स आ जाते हैं। वेसल्स का मतलब होता है पाइप्स, तो ये पाइप्स कैपिलरी भी हो सकते हैं, ट्रंक भी हो सकते हैं एंड डक्ट्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक नोड्स भी आ जाते हैं एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी आ जाते हैं। अब हम कंपोजिशन ऑफ लिम्फ को स्टडी करते हैं। जो लिम्फ की कंपोजिशन है वो सिमिलर होती है ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होती है। ब्लड प्लाज्मा का क्या मतलब होता है, ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसके ब्लड सेल्स होते हैं मतलब कि RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, और एक उसका वाटरी पोर्शन होता है। तो जो वाटरी पोर्शन होता है ब्लड को उसको हम बोल रहे होते हैं प्लाज्मा। तो जो लिम्फ है वो प्लाज्मा ही की तरह होता है, जस्ट यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है कि जो लिम्फ है तो इसमें प्रोटीन्स मौजूद नहीं रहते हैं, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में प्रोटीन लिम्फ के अंदर मौजूद रहते हैं, क्योंकि प्रोटीन इस लिम्फेटिक वेसल की पाइप में जो सेल्स मौजूद है मतलब इसकी दीवार में जो सेल्स मौजूद है तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए लिम्फ के अंदर प्रोटीन्स नहीं होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं। और ये जो फ्लूइड है ये कलरलेस फ्लूइड होता है क्योंकि इसमें RBCs मौजूद नहीं होते हैं, येलोविश कलर का होता है, मिल्की अपेरेंस दे रहा होता है, इसमें वाटर मौजूद होता है, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, सोल्यूट्स सच एज आयंस, इसके अलावा इसमें गैसेस मौजूद रहते हैं एंड सम प्रोटीन्स मतलब बहुत ही कम कंसंट्रेशन में, हार्मोन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, एंजाइम्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये हमने इसकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो लिम्फ है तो ये प्रोड्यूस कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं आर्ट्रियोल से। आर्ट्रियोल्स आर्टरी की छोटी सी पाइप को कहा जाता है, मतलब कि आर्टरी जब छोटी छोटी ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाती है तो उन छोटी छोटी ब्रांचेज को फिर हम बोल रहे होते हैं आर्ट्रियोल। और ये जो आर्ट्रियोल है जब ये छोटी पाइप में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर हम इसको बोल रहे होते हैं कैपिलरी। तो इट मीन कि कैपिलरी बहुत ही थिन पाइप को कहा जाता है। अब चूँकि ये जो आर्ट्रियोल है ये आर्टरी की ब्रांच है, और जो आर्टरी है ये आर्ट्रियोल है, तो यहाँ पर चूँकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें फ्लो कर रहा होता है इसलिए ब्लड का प्रेशर इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जब ये कैपिलरी आप इसमें ज्वाइन कर जाते हैं तो इससे एक मोटी सी पाइप बन जाती है, उस मोटी सी पाइप को हम बोल रहे होते हैं वेन्यूल। वैसे तो इटसेल्फ ये छोटी पाइप है लेकिन कैपिलरी के कंपैरिजन में मैं इसको बोल रही हूँ कि ये मोटी पाइप होती है। फिर इस तरीके से एक दूसरा वेन्यूल इस वाले वेन्यूल के साथ ज्वाइन होगा, एक तीसरा, और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा वेन्यूल जब आप इसमें कंबाइन हो जाएंगे तो इनसे वेन बन जाएगा। और हमें ये पता है कि जो वेन है तो उसमें चूँकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होता है इसलिए वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ आर्टेरियल प्रेशर। तो जब यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा होता है और फिर वो छोटी पाइप में कन्वर्ट हो जाता है तो एक ऑब्वियस सी बात है कि एक खुली जगह से जब आप किसी फ्लूइड को एक नैरो जगह पर ले आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आप उसको आगे की तरफ मूव करवा रहे होते हैं तो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है जिसको हम बोल रहे होते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्लूइड के प्रेशर को कहा जाता है जब हम उसको किसी मेम्ब्रेन से बहुत तेज़ी के साथ गुजार रहे होते हैं। तो इसी प्रेशर की वजह से इस ब्लड से कुछ छोटे छोटे से जो मटेरियल्स वगैरह होते हैं या वाटर है या न्यूट्रिएंट्स वगैरह जिसका भी छोटा सा साइज़ है या जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की एबिलिटी रखता है तो वो क्रॉस कर यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, सेल्स है ये, मैंने यहाँ पर सेल्स शो किए हुए हैं, सेल्स के बाहर वाले एरिया में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है कैपिलरी का, ये अब यहाँ से जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है क्योंकि
ये वाला जो पोर्शन है ये अपना ऑक्सीजन, ये वाला ब्लड अपना ऑक्सीजन इन सेल्स को दे चुके हुए होते हैं, तो ये वाला पोर्शन अब डीऑक्सीजनेटेड बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है हाइड्रोस्टेटिक वो तो होता ही नहीं है क्योंकि फ्लूइड बहुत ज़्यादा स्लोली रन कर रहा होता है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ से तो वाटर मूव कर इधर आ गया था, मतलब कि यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वाटर यहाँ से मूव कर यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले पोर्शन में तो यहाँ पर सोलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। सोलूट की कंसंट्रेशन इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वाटर बाहर मौजूद होता है, तो इसलिए यहाँ पर मतलब कि इस वेन्यूल वाले पोर्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो इसकी वजह से जो वाटर है या वाटर में डिजॉल्व सब्सटेंसेस वगैरह है तो वो वापस यहाँ से मूव कर जाएंगे। तो ये मैंने आपको ये बताया कि आर्ट्रियोल्स में प्रेशर क्या होता है या आर्ट्रियोल्स वाली साइट की जो कैपिलरी है उसमें क्या प्रेशर रहता है, और जो वेन्यूल वाली साइट की कैपिलरीज है तो उसमें क्या कौन सा प्रेशर रहता है। जो आर्ट्रियोल वाली कैपिलरीज है उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा रहता है, और जो वेन्यूल वाली साइट की कैपिलरीज है तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है, रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास सेल्स हैं, तो सेल्स के बाहर जो एरिया होता है उसको हम बोल रहे होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, मतलब ये एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होती है, और ये हमारी बॉडी का 1/6 पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस को कंबाइनली हम इंटरस्टिशियम कहते हैं, मतलब ये सारा इंटरस्टिशियम है। तो इस इंटरस्टिशियम के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोल रहे होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या हम इसको बोल रहे होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो सेल के अंदर का पार्ट नहीं है बल्कि ये तो सेल के बाहर का पार्ट है, या हम इसको सिंपली फॉर्म में ECF भी बोल रहे होते हैं। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि ये जो सेल्स है तो इनके बाहर ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मौजूद है तो ये कहाँ से आया। ये बेसिकली आया हुआ है इसी जो आर्ट्रियोल वाली साइड की कैपिलरी है। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो गया था, क्योंकि ये पाइप बहुत ज़्यादा पतली है एज़ कम्पेयर टू दिस वन पाइप, तो यहाँ से चीज़ें मूव कर यहाँ पर आ गई थी। फिर ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रह रही होती है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से इंटर हो जाती है कुछ टाइम के लिए। लाजमी इन्होंने इस इन सेल्स के इर्द गिर्द घूमना होता है, और इस दौरान हो क्या जाता है कि जो सेल्स है तो वो इस फ्लूइड के साथ अपनी मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब कि ये जो फ्लूइड निकला हुआ है ब्लड से इसके पास जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस होंगे वो इन सेल्स के अंदर चले जाएंगे डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है, पहले तो फिल्ट्रेशन हो जाती है, मतलब ये फ़िल्टर हो जाता है ये वाला फ्लूइड, और फिर ये यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और सेल्स की जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा तो वो यहाँ पर वापस ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फ्लूइड दोबारा से ऐड हो रहा होता है तो उसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल ज़्यादा होता है या वो सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं जो कि सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस फ्लूइड को हमने कहा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इन स्पेसेस को हमने कहा इंटरस्टिशियल स्पेसेस या इंटरस्टिशियम हमने इसको कहा। और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये कितने अमाउंट में बन रहा होता है इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 30 लीटर पर डे यहाँ से फ्लूइड फिल्टर होकर हमारे इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाता है। ओनली 3 लीटर यहाँ पर रह जाता है और रिमेनिंग वापस हम इस जो वेन्यूल वाली साइड की कैपिलरी है तो यहाँ पर हम वापस हमने डाल देते हैं। अब बात यह है कि ये 3 लीटर पर डे के हिसाब से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर जमा हो रहा है, तो अगर हम डेली बेसिस पर 3 लीटर यहाँ पर डालते रहे तो ये एरिया तो स्वेल हो जाएगा, ये टिश्यू या ये ऑर्गन तो स्वेल होता जाएगा। इस 3 लीटर का हम क्या करेंगे? और ये जो 3 लीटर है तो इसमें ऐसे मटीरियल भी मौजूद है जो सेल्स के लिए टॉक्सिक होते हैं या पैथोजेंस हो गए, या हमारे पास कोई ऐसा मटीरियल है जो सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम इस 3 लीटर ऑफ फ्लूइड का जो कि पर डे के हिसाब से हमारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जमा हो रहा होता है इसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला हुआ है, और वो सोल्यूशन है ये वाली पाइप। ये जो पाइप है ये एक्चुअली में लिम्फैटिक वेसल है। ये क्या करती है कि ये इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ये जो 3 लीटर में बन रहा होता है। तो जब ये बाहर मौजूद होता है ये फ्लूइड, इसको हम बोल रहे होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लेकिन जब ये फ्लूइड इस पाइप के यानी कि इस लिम्फैटिक वेसल के अंदर आ जाता है तो तब हम इसका नाम चेंज कर देते हैं और हम इसको बोल रहे होते हैं लिम्फ। तो अभी आपका माइंड बन चुका हुआ होगा कि लिम्फ एक्चुअली में क्या होता है। लिम्फ जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से आर्ट्रियोल साइट की कैपिलरी से जो फ्लूइड फिल्टर होकर आ गया था, तो वो वाला जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाया, और वो जो फ्लूइड है उसके साथ जो सेल्स हैं उन्होंने अपनी मटेरियल को एक्सचेंज किया,
वो जो फ्लूइड है वो दोबारा से ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हमारे वेन्यूल वाले साइट की जो कैपिलरी है उसमें ऐड हो गया था। रिमेनिंग जो 3% बच गया था, ये 3% इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब हमारे लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर आ जाता है, लिम्फैटिक वेसल के अंदर आ जाता है, ये वेसल भी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा पतली पाइप होती है, इसलिए हम इस वाले लिम्फैटिक वेसल को लिम्फैटिक कैपिलरी बोल रहे होते हैं। तो ये लिम्फैटिक वेसल इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं तो वो तो 3 लीटर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बढ़ जाते हैं, और ये अमाउंट अगर डेली बेसिस पर इस अमाउंट में ये जमा होते रहते तो हमारी बॉडी स्वेल हो जाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो लिम्फैटिक सिस्टम है तो इसका ना तो कोई पंपिंग ऑर्गन है, तो फिर यहाँ पर ये फ्लूइड पंप कैसे होगा? मतलब कि ग्रेविटी का अगर फोर्स इस पर अप्लाई किया जाए तो ये उसके अगेंस्ट कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि इसके पास तो कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है। एक्चुअली में इन पाइप्स के अंदर जब लिम्फ फ्लो कर रहा होता है तो उसको सराउंडिंग की मूवमेंट से हम जो है वो प्रेशर मिल रहा होता है। जिस तरीके से जब हमारी मसल्स की मूवमेंट होती है तो साथ साथ में जो भी पाइप्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि लिम्फैटिक वेसल्स, तो उनके फ्लूइड को एक लिहाज से पुश मिल रहा होता है। इस तरीके से जब हमारी रेस्पिरेटरी मूवमेंट होती है, हमारे लंग्स जब मतलब उनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है, डायफ्राम ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो उस दौरान भी इस फ्लूइड को साइड वाले एरिया से प्रेशर मिल रहा होता है। इस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, या ये जो लिम्फैटिक वेसल्स होते हैं ये हमारे आर्टरीज़ के करीब करीब लोकेटेड होते हैं, और हमें ये पता है कि जो आर्टरीज़ है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो आर्टरीज़ एक्सपेंड भी हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, तो उस लिहाज से भी इन वेसल्स को, मतलब कि जो लिम्फैटिक वेसल्स हैं तो उनको प्रेशर मिलता रहता है, और ये जो लिम्फ है तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट भी फ्लो कर सकता है। अब हम लिम्फैटिक वेसल्स को स्टडी करते हैं। वेसल्स का मतलब होता है पाइप्स। जब ये 3 लीटर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड को पर हम डे के हिसाब से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको फिर बाद में हम लिम्फ कहते हैं, तो फिर ये इस लिम्फ को टिश्यू से अवे लेकर चला जाता है। ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं तो ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से बनी भी होती है, और ये किस तरीके से हमारी ब्लड कैपिलरी से डिफरेंट होती है। लिम्फैटिक कैपिलरीज लैक बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनके पास कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि हमारी ब्लड कैपिलरीज के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और ये ज़्यादा परमिएबल होती है, चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। नथिंग इज़ मूव्ड फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जब एक दफ़ा इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ की सूरत में इन कैपिलरीज के अंदर आ जाता है तो फिर इसे वापस नहीं जाता है। लेकिन अगर हम ब्लड कैपिलरीज को देखें तो वहाँ से तो जो फ्लूइड है तो वो फिल्टर होकर हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आता है, मतलब कि उससे तो चीज़ें लीक आउट कर जाती हैं, लेकिन हमारे इस लिम्फैटिक वेसल से, लिम्फैटिक कैपिलरी से कोई चीज़ लीक नहीं कर सकती है। इसी तरीके से जब लिम्फ कैपिलरीज, जिनको हम बोल रहे होते हैं कि ये एपिथेलियल सेल से बने हुए होते हैं, तो ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये कुछ इस किस्म के अरेंज हुए होते हैं कि ये इटसेल्फ एक वन वे वेल्व की तरह काम कर रहे होते हैं। वेल्व का मतलब आपको पता ही है कि जो एक डायरेक्शन में फ्लूइड की मूवमेंट को पॉसिबल बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम वेल्व कहते हैं। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं जो इस ब्लड वेसल, सॉरी इस लिम्फेटिक वेसल को बना रहे होते हैं, तो इनकी अरेंजमेंट कुछ इस किस्म की होती है कि यहाँ से फ्लूइड आ सकता है, वापस नहीं जा सकता है। वैसे तो ये डायग्राम मैंने ज़्यादा अच्छी नहीं बनाई है, लेकिन होप्स हो कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये जो इनके पास खुद की कोई भी वेल्व नहीं है, कि कैपिलरी की बात कर रही हूँ, लेकिन सेल्स की अरेंजमेंट कुछ इस किस्म की है कि ये खुद ही वेल्व बन गए हैं, तो ये अलाउ कर रहे होते हैं फ्लूइड को टू इंटर इनटू द कैपिलरी बट प्रिवेंट इट फ्रॉम पासिंग बैक इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। वापस ये नहीं जा सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। इसी तरीके से जब लिम्फ कैपिलरीज, जो कि छोटी छोटी पाइप्स होती हैं, जब ये ज्वाइन कर लेंगी तो इसे एक लार्ज पाइप बन जाएगी, जो कि हमारे ब्लड वेन्स की तरह रिजेंबल करेंगी। किस तरीके से रिजेंबल करेंगी? जिस तरीके से हमारे ब्लड वेन में ब्लड का प्रेशर कम होता है और इसमें जगह जगह पे वेल्व्स मौजूद होते हैं, क्योंकि प्रेशर कम होने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ब्लड के वापस आने का खतरा होता है हमारे ब्लड वेन में, तो सेम इसी तरीके से हमारे इन लिम्फेटिक वेन्स में भी वेल्व्स लगे हुए होते हैं। इस तरीके से ये देखिए, ये वेल्व है, तो जब फ्लूइड इस तरह ऊपर की तरफ रन कर जाएगा और फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने का खतरा होगा, तो ये वेल्व इस तरह क्लोज्ड हो जाएंगे, तो वेंस की तरह, मतलब कि जो ब्लड वेंस हैं उसकी तरह हमारे इस लिम्फैटिक वेंस में भी वेल्व्स मौजूद रहते हैं। ये वेंस जब आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो इनसे ट्रंक बन जाएगा, जब ट्रंक आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो इसे लिम्फैटिक डक्ट्स बन जाएंगे।
हमारी बॉडी के अंदर टू लिम्फेटिक डक्ट्स मौजूद होती हैं, ये मेन हमारी डक्ट्स होती है। एक चूँकि बॉडी की राइट साइड पे मौजूद होती है इसलिए हम इसको बोल रहे होते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट, और दूसरी हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड पर मौजूद होती है उसको हम बोल रहे होते हैं लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ये जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है तो इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं थोरेसिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट छोटी होती है और इसका साइज़ भी, इसका जो डायमीटर है वो भी स्मॉल होता है, जबकि जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है तो ये बड़ी भी होती है, इसका डायमीटर भी ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए इस बेसिस पर हम इसको थोरेसिक डक्ट भी बोल रहे होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इस राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट या थोरेसिक डक्ट की ओपनिंग को देखते हैं कि ये कहाँ पर ओपन होती है। लेकिन याद रखना है कि ये जो हमारी दो डक्ट्स हैं तो ये ओपन हो जाती है हमारे ब्लड पाइप के अंदर। तो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारे ब्लड पाइप्स के साथ कनेक्शन में होता है, क्योंकि इनके पास अपना तो कोई स्टोरेज ऑर्गन है नहीं जिसमें अपना ये लिम्फ स्टोर कर सके, या ये इस लिम्फ का क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में अराइज होना चाहिए। तो ये आखिर में लिम्फ को उठाकर हमारे ब्लड का पार्ट बना देते हैं। तो ये हमारे पास एक पाइप है जो कि हमारे हेड या हमारे नेक के लेफ्ट वाले पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती है। इस वाली पाइप का नाम है जगुलर ट्रंक या जगुलर वेन। सेम इस तरीके से ये वाली पाइप मौजूद है राइट साइड पर, तो इसको हम बोल रहे होते हैं राइट जगुलर वेन या राइट जगुलर ट्रंक। ये जो ट्रंक है, ये जो वेन है, ये एक दूसरी वेन के साथ ज्वाइन हो रही होती है, और ये वेन हमारे अपर आर्म वाले रीजन से या हमारे शोल्डर वाले एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर कर ला रही होती है, फिर ये ज्वाइन कर लेती है इस जगुलर वेन को। तो जहाँ पर जगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन का जंक्शन पॉइंट है, तो वहाँ पर हमारी ये वाली डक्ट ओपन हो रही होती है, और ये कौन सी डक्ट है, ये है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, ये जो है राइट जगुलर वेन है और ये है राइट सबक्लेवियन वेन, और जहाँ पर ये जंक्शन बना रहे हैं वहाँ पर ये वाली डक्ट ओपन हो रही है, और ये कौन सी डक्ट है, ये है राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब ये जो तीनों की तीनों डक्ट्स है ये कहाँ पर ओपन हो रही है, ये जिस पाइप के अंदर ओपन हो रही है वो पाइप आगे जाकर फिर सुपीरियर वेना कावा बन जाता है। तो इट मीन कि जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है या जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, इन्होंने अपना लिम्फ आखिर में हमारे ब्लड में ही डाल देना है ताकि वो सुपीरियर वेना कावा के ज़रिए हमारे हार्ट तक पहुंच जाए। तो ये इसका सारा का सारा एक पाथवे है। अब हम ये देखते हैं कि जो राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है ये कौन कौन से एरिया से लिम्फ को कलेक्ट कर कर लेकर आ रहे होते हैं। तो जो हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट है, यहाँ पर मैंने शो भी किया हुआ है, ये कहाँ कहाँ से कलेक्ट करके लाता है लिम्फ, हमारे जो हेड है उसके राइट साइड से, क्योंकि ये हमारा राइट साइड है और ये वाला हमारा लेफ्ट साइड होता है। तो हेड के राइट साइड से, नेक के राइट साइड से, ये जो चेस्ट का अपर वाला पोर्शन है, मतलब कि जो राइट चेस्ट एरिया है, थोरेसिक एरिया है, यहाँ से, और हमारे आर्म वाले रीजन से, और कौन से आर्म से, ये जो है राइट वाला आर्म है, तो यहाँ से कलेक्ट कर लेकर आ रहा होता है लिम्फ। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से जो हमारा ये वाला है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट या जिसको हम थोरेसिक डक्ट कहते हैं, ये कहाँ कहाँ से लिम्फ को कलेक्ट कर लाता है, जो जगह बच गई है इस राइट लिम्फेटिक डक्ट से तो वो जगह कवर हो जाएंगी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट के ज़रिए। अब देखिए, यहाँ पर ये है हमारे हेड का लेफ्ट एरिया, ये है हमारे नेक का लेफ्ट एरिया, ये हमारे शोल्डर वाला एरिया है, ये है हमारा जो आर्म वाला रीजन है, और ये कौन सा आर्म है, ये हमारा लेफ्ट आर्म है। तो लेफ्ट आर्म से और लेफ्ट थोरेसिक एरिया से, एब्डोमिनल एरिया से और लोअर एब्डोमिनल एरिया से, और हमारे दोनों लोअर लिम्फ से ये जो लिम्फ है उसको कलेक्ट कर कर लेकर आ रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है लिम्फेटिक नोड्स। तो नोड्स एक्चुअली में स्वेलिंग्स को कहा जाता है। ये जब हमारा लिम्फेटिक पाइप इस तरीके से रन कर रही होती है तो किसी किसी पॉइंट पर ये ब्रांच्ड हो जाती है, और इसके अंदर कुछ सेल्स अरेंज हुए होते हैं, और उन सेल्स के पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, मतलब उनके पास टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं, तो ये एक स्वेलन सा पोर्शन बन जाता है, ये एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको हम बोल रहे होते हैं नोड्स। इसी तरीके से ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, तो बहुत ज़्यादा नोड्स अरेंज हुए होते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ लिम्फेटिक वेसल, जिस तरीके से ये है बीट्स की तरह हमें ये दिखाई दे रहा होता है। तो ये जो लिम्फेटिक नोड्स होते हैं ये राउंड होते हैं, ओवल या बीन शेप्ड बॉडीज होते हैं, 1 से लेकर 25 mm लॉन्ग होते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलॉन्ग वेरियस लिम्फेटिक वेसल्स। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये एज आ चेक पोस्ट की तरह काम कर रहे होते हैं, कि ये जब जिस तरीके से पुलिस के चेक पोस्ट होते हैं, जब गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती है तो उस गाड़ियों की चेकिंग हो रही होती है, तो सेम यहाँ पर भी यही केस चल रहा होता है कि जब यहाँ से लिम्फ गुजर रहा होता है तो इन नोड्स में उस लिम्फ की चेकिंग हो रही होती है, तो इनके फंक्शन को स्टडी करते हैं।
इसका काम होता है, मतलब कि जो लिम्फेटिक नोड्स हैं इसका काम होता है कि इसने लिम्फ की फिल्ट्रेशन करनी होती है। उस लिम्फ के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया मौजूद है या कोई और मटेरियल मौजूद है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है तो उसको रिमूव कर देगा। किस तरीके से रिमूव करेगा? यहाँ पर लिम्फोसाइट्स असेंबल हुए होते हैं, मतलब जमा हुए होते हैं। तो जब ये एंटीजन को देख लेते हैं यही लिम्फोसाइट्स, तो ये फंक्शनल हो जाते हैं और इनका नंबर प्रोलीफरेट कर जाता है, मतलब इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है इन्हीं लिम्फेटिक नोड्स के अंदर। तो बैक्टीरिया वगैरह को रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स, ये काम होता है इसी लिम्फेटिक नोड्स का। अब हम लास्ट कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम स्टडी करते हैं, दैट इज़ लिम्फेटिक ऑर्गन्स। तो दो तरह के लिम्फेटिक ऑर्गन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में लोकेटेड होते हैं। एक हमारे पास है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और दूसरे हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जिन्होंने खुद ही टी सेल्स और बी सेल्स को बनाया हुआ होता है, जबकि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से टी सेल्स और बी सेल्स को लेते हैं और फिर उनको फंक्शनल बनाते हैं। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है उसमें से एक ऑर्गन है थायमस, जो हमारे चेस्ट एरिया में, अपर चेस्ट एरिया में लोकेटेड होता है, और दूसरा ऑर्गन है बोन मैरो। ये अलाउ करते हैं स्टेम सेल्स को टू प्रोलीफरेट, डिफरेंशिएट एंड मेच्योर इनटू टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो ये स्टेम सेल्स का नंबर बढ़ा देते हैं, उनको उनका काम हवाले कर देते हैं, उस काम में उसको मेच्योर कर देते हैं, यानी कि उससे एक स्पेसिफिक टी सेल और बी सेल बनाकर उनको मेच्योर करना, ये काम होता है थायमस और बोन मैरो का। इस तरीके से जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ये लिम्फोसाइट्स को फंक्शनल बनाते हैं जब उनके सामने कोई एंटीजन आ जाता है। तो तब इनमें से एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है हमारी बॉडी में स्प्लीन, एक है लिम्फ नोड्स, और टॉन्सिल्स भी हमारी बॉडी में सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। आपकी बुक में जस्ट स्प्लीन के बारे में थोड़ी सी डिटेल बातें लिखी हुई है। ये लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बीनीथ द डायफ्राम, जहाँ पर हमारा स्टमक होता है, जहाँ पर हमारा पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज के दो सिरे होते हैं, तो एक सिरा उसका तो ड्यूडेनम के साथ कनेक्शन में होता है, जबकि दूसरा सिरा इसी स्प्लीन के साथ कनेक्शन में होता है। स्प्लीन का क्या काम होता है? इसने फिल्ट्रेशन करनी होती है ब्लड की। ये डिस्ट्रॉय कर रहा होता है वर्न आउट आरबीसीज़ को, जिन आरबीसीज़ की लाइफ स्पिन कम्प्लीट हो जाती है, मतलब कि 120 डेज जिनके कम्प्लीट हो जाते हैं, तो उनको ये डिस्ट्रॉय करता रहता है। ये आरबीसीज़ की प्रोडक्शन भी कर सकता है, बट ये आरबीसीज़ की प्रोडक्शन कुछ स्पेशल कंडीशंस में करता है। कब करता है? एक कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है कि जब हमारा बीपी लो होता है, मतलब हमारे ब्लड का प्रेशर कम होता है, तो उस टाइम हमें ज़्यादा आरबीसीज़ की ज़रूरत होती है, या जब हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह की कंडीशन में ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होता है हमारी बॉडी को, तो उस टाइम स्प्लीन भी आरबीसीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। अदरवाइज़ स्प्लीन का काम आरबीसीज़ बनाना नहीं होता है, आरबीसीज़ को बनाने का काम तो हमारे बोन मैरो का होता है। तो ये एक लिहाज से हमारे ब्लड रिजर्वायर के तौर पर भी काम कर रहा होता है, मतलब कि जब हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम स्प्लीन हमारे लिए ब्लड बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमने टू टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में थायमस और बोन मैरो आ जाते हैं, जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है उसमें स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है एंड टॉन्सिल्स वगैरह हैं। लास्ट में हम फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस करते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस हमने डिस्कस कर भी लिए है। ये स्क्रीनिंग कर रहा होता है लिम्फ की, ताकि जो पैथोजेंस हैं उनको रिमूव कर सके, या जो कैंसीरियस सेल्स हैं तो उनको रिमूव कर सके। अक्सर पैथोजेंस क्या करते हैं कि बॉडी में अपने आप को बहलाने के लिए सेल से बाहर निकल आते हैं, मतलब कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं, और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ज़रिए वो इनडायरेक्ट पाथवे के ज़रिए एक बाहर वाला रास्ता इख्तियार कर हमारे बाकी सेल्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो ये तो कलेक्ट कर रहा होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, अगर उसमें वो बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा क्लेवर है और जिन्होंने सेल से बाहर निकलकर एक इनडायरेक्ट पाथ पे इख्तियार कर सेल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हुई होती है, तो उसको भी ये ट्रैप कर लेते हैं। या जो कैंसीरियस सेल्स है, वो भी अक्सर इसी इंटरस्टिशियल स्पेसेस से गुजर गुजर कर जा रहे होते हैं, ताकि वो बाकी जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं उनको भी अपने साथ कैंसीरियस बना सके। तो इन कैंसीरियस सेल्स को भी ट्रैप करना, ये हमारे इस लिम्फेटिक वेसल्स का काम होता है। मतलब एक लिहाज से ये हमें डिफेंसिव रोल हमारे लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड उन्होंने लिया हुआ होता है, तो
वो इसका क्या करते हैं, वो इसको पूरी बॉडी से कलेक्ट कर लेते हैं इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, क्योंकि इसमें तो ऑल ओके हार्मफुल मटेरियल है लेकिन इसमें तो यूज़फुल मटेरियल भी स्टिल मौजूद है, तो वो वापस ब्लड में दे देते हैं। कहाँ पर देते हैं, ये पॉइंट आपने पढ़ा कि जो हमारे राइट लिम्फेटिक डक्ट है या जो हमारा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, ये हमारे लिम्फ को डाल देते हैं इनटू द जंक्शन पॉइंट ऑफ जगुलर वेन एंड सबक्लेवियन वेन, और फिर बाद में ये हमारे सुपीरियर वेना कावा का पार्ट बन जाते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमारी एक लिम्फेटिक कैपिलरी है जिसका नाम है लैक्टियल, तो ये फैट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि फैट्स का जो साइज़ है वो हैवी होता है, इसलिए हमारे ब्लड वेसल्स इसको उठा नहीं सकते हैं, इसलिए जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है तो ये उसको उठा लेता है और वो होता है लैक्टियल, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है तो उसका काम ये होता है कि इन्होंने हमारे सेल्स के बाहर इर्द गिर्द एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना होता है। और जो लिम्फ है तो इसका माइनर रोल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी है, क्योंकि जो हमारी सेल्स है वो इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ अपने मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं, जो चीज़ उनको चाहिए होती है वो ले लेते हैं और जो चीज़ उनको नहीं चाहिए होती है वो इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाल देते हैं। तो यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाद में जाकर फिर लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसमें ऐड हो जाता है। अब ये जो लिम्फेटिक पाइप है जहाँ जहाँ पर गुजर रही होती है तो वहाँ वहाँ से ये यही जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये कलेक्ट कर लेकर जा रही होती है। तो ये हमने 5 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ा कि इसका डिफेंसिव रोल भी है, ये बाद में जो लिम्फ है तो वो ब्लड को वापस दे देती है, इसके अलावा ये लैक्टियल के तौर पे काम कर रही होती है, फैट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे सेल्स को मॉइस्ट रखता है, और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो बाद में लिम्फ बन जाता है तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में स्टडी किया कि जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क फैला हुआ होता है, तो सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स का भी एक नेटवर्क फैला हुआ होता है, और इन पाइप्स के अंदर लिम्फ घूम रहा होता है। ये लिम्फ कहाँ से बना हुआ होता है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बना हुआ होता है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि बच जाता है, जो कि हमारे कैपिलरी में नहीं इंटर हो पाता है, जो वेन्यूल वाली साइड की कैपिलरी है वहाँ पर नहीं इंटर हो पाता है। क्यों नहीं इंटर हो पाता है, ज़ाहिर सी बात है कि 100% चीज़ें तो दोबारा से नहीं चली जाती है, कुछ ना कुछ अमाउंट में सब्सटेंसेस रह भी जाते हैं, तो ये जो रहा वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड है तो ये उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, क्योंकि अदरवाइज हमारे सेल्स स्वेल हो जाते अगर ये सिस्टम हमारी बॉडी में नहीं मौजूद होता। तो ये ब्लंट पाइप्स होती हैं, मतलब इनके सिरे बंद होते हैं एक साइड से लेकिन दूसरे सिरे ओपन होते रहते हैं, तो ये कैपिलरीज आपस में कंबाइन हो जाती हैं, तो इनसे वेन बन जाते हैं, फिर इनसे ट्रंक्स बन जाते हैं, फिर इनसे डक्ट्स बन जाते हैं, और ये डक्ट्स आखिर में अपना लिम्फ जो इन्होंने डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट किया हुआ होता है उसको लाकर हमारे जगुलर वेन या जो सबक्लेवियन वेन के जंक्शन पॉइंट है तो उसमें ड्रेन कर देती हैं, और फिर ये तीनों पाइप्स मिलकर हमारे सुपीरियर वेना कावा में इंटर हो जाते। तो इस तरीके से हमारा जो लिम्फ है वो हमारी सुपीरियर वेना कावा के ज़रिए हमारे हार्ट तक आ जाता है।